मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जहां पुलिस सख्ती बरत रही है, वहीं भूखे बेजुबान जानवरों को भी निवाड़ी पुलिस सहारा दे रही है। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए निवाड़ी पुलिस शहर में घूम रहे भूखे जानवरों को चारा उपलब्ध करा रही है। लॉकडाउन के दौरान जानवर भी भूख से बेहाल हैं, चाहे वह पालतू मवेशी हों या फिर जंगली बंदर। भूख से बेहाल इन जानवरों के लिए निवाड़ी कोतवाली में पदस्थ SI अंकित दुबे ने चारे की व्यवस्था की है। इन्होंने आज इलाके में दौरा करते हुए जानवरों के लिए चारे और बंदरों के लिए फलों की व्यवस्था की। कई दिन से भूखे इन जानवरों को चारा मिला तो मानो उन्हें संजीवनी मिल गई हो। जानवरों को लेकर पुलिस की इस मुहिम की नगर में सराहना हो रही है। वहीं SI अंकित दुबे का कहना है कि हमारी इस पहल का समाज सेवियों व आम लोगों पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जितना भी बन सके अपने आसपास घूमने वाले मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करें। संदेश क्या है, जैसे कि अभी बंद चल रहा है, चारों तरफ गायें अपनी घूम रही हैं, इनके लिए अपन निकलते हैं पेट्रोलिंग वगैरह पे तो थोड़ा सा चारा ले लेते हैं तो खिला देते हैं। और जनता को संदेश क्या, उससे फ़र्क भी पड़ रहा है। कल हमने देखा कि मंडी में बहुत सारी गायें इकट्ठी होती थी, वहाँ भी हम चारा डाल रहे थे, तो कल कुछ समाज से भी वहाँ चारा डाल के आ गए थे, जब तक हम डाल ले गए। तो इससे अच्छा है कि जनता को देखने को मिल रहा है कि भाई पुलिस काम कर रही है, पुलिस डाल रही है, तो क्यों ना हम भी ये काम कर चले। और ऐसे सबको यही संदेश है कि भाई जहाँ जो जानवर घूम रहे हैं उनके लिए जितना हो सके, जितना टाइम मिलता है अपने घर के आसपास जो जानवर घूम रहे हैं उनके खाने पीने का और पानी वगैरह का इंतजाम कर दें तो अच्छा रहेगा भाई। अभी अपन इस महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में जानवरों की भी सेवा हो जाए तो अच्छा, यही संदेश देना चाहेंगे जनता को। निवाड़ी से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।